अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके साथ ही वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पर भी यू कैन जॉइन इन। वहां पर टाइमली मैनर में न्यूज वगैरह शेयर की जाती है, सो दैट यू कैन टेक इनफॉर्म दिस इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द वीकली फॉर केएससी 100, वीकली में वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। जिस तरह मैं आपको प्रीवियसली बताता रहा था कि वीकली पे जो टारगेट है, द फर्स्ट वन इज 200 सिंपल मूविंग एवरेज, विच इज करंटली स्टैंडिंग एट 40,650 पॉइंट्स अप्रॉक्सिमेटली। मैकडी जो है हमारे पास, वो भी क्रॉस डाउन कर चुका था प्रीवियसली, और ऑल्दो इट्स अ लैगिंग ऑसिलेटर, या आप कह सकते हैं कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, बट स्टिल इसमें फिलहाल कंटिन्यूएशन दिखने में आ रही है। नाउ द वीकली इज कि हमारे पास जब तक वीकली क्लोज होता है, डू वी क्लोज बैक अबव दिस लेवल और वी क्लोज अबव बिलो दिस वन, क्योंकि अगर नीचे होता है तो दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने अपनी ये जो रेंज है इसको ब्रेक कर दिया एट 42,727 अप्रॉक्सिमेटली। तो उसको अगर ब्रेक करते हैं तो यस, इट इज गोइंग टू कंफर्म द 200 वीकली मूव, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है फर्दर कंटिन्यूएशन मजीद आती है या नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इट्स अ बेयर फ्लैग एंड अ पोल पैटर्न, तो उसमें आवर्ली में चल के उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली, डेली में हमारे पास जो उस वही रेंज जो है वो ब्रेक हो चुकी हुई है। यहाँ पे भी एक इंडिकेशन आई थी, एक छोटा सा क्लोज आया था, बट देन अगेन वी क्लोज बैक अबव, विच प्रूव्स टू बी अ ट्रैप फॉर नाउ। अगर हमारे पास यहाँ पे एक रीटेस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल बैक टू 42,750 और 720 पॉइंट्स, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास अगर रिजेक्शन होती है तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म द ब्रेक डाउन ऑफ दिस सपोर्ट, और सपोर्ट के ब्रेक डाउन का मतलब है कि रीटेस्ट जो है उसमें दोबारा सपोर्ट कंफर्म हो, एज अ रेजिस्टेंस कंफर्म हो गई, और फिर दोबारा हम नीचे की तरफ मूव दे सकते हैं। तो ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम इसके सबसे फर्स्ट टेलटेल साइन जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास पैरेलल चैनल बन रहा है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, दैट इज गोइंग टू बी द वन जहां पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिखने में मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेंज रेजोल्यूशन जो है, अगर ये नीचे की तरफ होती है तो क्या होगा और अगर ऊपर की तरफ होती है तो क्या होगा। नाउ हमारे पास इस वक्त रिजॉल्व हो चुकी है ये टू द डाउन साइड, और उसमें हमारे पास मूव नीचे की तरफ मिला है। जो टारगेट्स हैं समवॉट अराउंड, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको मेजर करेंगे तो फ्लैग टारगेट है, दैट इज गोइंग टू गिव अस अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 41,160 और 50 पॉइंट्स, तो तकरीबन 41,100 से 150 पॉइंट्स का टारगेट है इसका, इस फ्लैग का। उससे पहले एक रीटेस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, यस ऑफ कोर्स रीटेस्ट आ सकता है, और उसकी एक जो एक माइल्ड सी पॉसिबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे RSI पे लो बना हुआ है, और इस वक्त RSI ऊपर है, जबकि प्राइस एक्शन में ये पॉइंट हमारे पास काफी ऊपर मौजूद है, और इस वक्त करंटली हमारे पास प्राइस एक्शन काफी नीचे है, विच मीन्स कि एक फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन सकती है अगर यहाँ पे किसी किस्म का लोकल लो कंफर्म होता है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। उसकी इस पॉसिबिलिटी को सोचने की थोड़ी सी रीजन ये है कि जब रेंज रिजॉल्व हुई है टू द डाउन साइड, तो हमने वॉलेटाइल मूव नहीं देखा, बल्कि एक बहुत स्लो जो है वो ग्राइंड देखा है टू द डाउन साइड। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक छोटा सा लोकल लो बनने के बाद इसका रीटेस्ट हो इस चैनल का, और इसको एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे दोबारा कंफर्म किया जाए, और फिर दोबारा मार्केट जो है नीचे की तरफ फेस कर ले। बट रिमेंबर दिस कि अगर ये रेजिस्टेंस के तौर पे कंफर्म होती है तो मार्केट इज गोइंग टू गो टू द डाउन साइड, ऑल्दो ये भी एक माइल्ड पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो अप, ठीक है। अगर लोकल लो बनता है अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस, तो हमारे पास एक रीटेस्ट पॉसिबल है यहाँ तक, और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। जब भी डाउन ट्रेंड रहता है तो 21 एक्सपोनेंशियल की जो है वो बार बार जो है रीटेस्ट छोटे छोटे से एज ए रेजिस्टेंस आते रहते हैं, तो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि अगर जो वापस रीटेस्ट आता है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीटेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, नॉट एक्चुअली कि हमारे पास मार्केट जो है वो रिवर्स होने शुरू हो जाए। ऑल्दो अगर जो अपसाइड है दैट इज ऑल्सो दैट इज गोइंग टू डिक्टेट कि हमारे पास जब तक इस मूव में ये जो पूरा मूव है इसको अगर हम कहीं से भी लोकल लो बनता है, क्योंकि अभी हमारे पास लोकल लो है नहीं, इसलिए फिबोनाची लगाने का कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, बट देन अगेन अगर मूव हमारे पास यहाँ कहीं पे आता है तो, लेकिन मैं आपको हमेशा से जो बताता हूँ कि 0.236, 0.38 और 0.5 ये तीनों बेरिश बाउंसेस होते हैं, जब तक कि मार्केट 0.618 के ऊपर क्लोज नहीं करती है तब तक किसी भी किस्म के रिवर्सल के ऊपर बात नहीं हो सकती। सो हैविंग सेड दैट, अगर रीटेस्ट आता है तो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 21 एक्सपोनेंशियल और द बॉटम लाइन ऑफ दिस चैनल, वरना अगर कंटिन्यूएशन में मार्केट मजीद नीचे आना शुरू होती है तो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट 41,160 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है दैट इज ऑफ दिस द मेजर मूव ऑफ दिस पोल, ठीक है। इसमें आपके पास ये फ्लैग था और ये आपका पोल है, तो अगर आप पोल को मेजर करते हैं अलॉन्ग विद द फ्लैग, तो इसका जो टारगेट है मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, जो नए आज देखे हूँ वीडियो उनके लिए बताता चलूँ
कि यहाँ पे जो टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी 37,920 पॉइंट्स समवेयर, आप इसको अराउंड फिगर 38,000 पॉइंट्स भी कह सकते हैं. तो मार्केट कैन ड्रॉप टू 38,000 पॉइंट्स विदाउट अ रीटेस्ट, जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट. अगर रीटेस्ट मिल जाता है और कंफर्मेशन मिल जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, जिसमें जो लोग हैं उनको शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है. सेकेंडली हमारे पास अगर हम इसको मजीद जो है डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास किसी भी किस्म की फिलहाल सपोर्ट इस वक्त मौजूद नहीं है. जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो यहाँ से शुरू होती है समवेयर अराउंड 40,000 एंड 41,800 पॉइंट्स और ऑल द वे डाउन टू 38,000 पॉइंट्स. तो हमारे पास ये जो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, यू कैन सी इट ओवर हियर, ये तो पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर इसके ऊपर था, ये आप लाइन देख सकते हैं जिसमें हमारे पास ब्रेक हुआ इस लाइन का, इस डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर का, जो कि आपके पास ऊपर रेंज चल रही थी. नाउ वी हैव क्लोज बिलो दिस, दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं. अगर इसके नीचे हमारे पास जब क्लोज आ गया इसके बाद अगर रीटेस्ट में कंफर्मेशन मिल जाती है अगेन ऑफ दिस ब्रेकेज, तो उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है पहला वो यहीं पर मौजूद है जहाँ पे हमारे पास 41,000 की रेंज से लेके ऑल द वे टू 38,000 की रेंज है. इसके दरमियान में हमारे पास थोड़ी सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर अगेन वी विल हैव टू गो लोअर टू फाइंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन द मार्केट. सो वीकली टाइम फ्रेम को ये थोड़ा सा वैलिडेट करते हैं इस मेजर में कि हमारे पास जो वीकली 200 सुपर मूविंग एवरेज है दैट इज करंटली स्टैंडिंग एट 40,650 पॉइंट्स. उसके नीचे विक बिल्कुल आ सकती है, आपको 38,000 आ सकती है और वीकली दोबारा क्लोज ऊपर भी हो सकती है. सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज एक्चुअली द फर्स्ट टच पॉइंट. वहां पे मार्केट बाउंस करती है या वहां से रिवर्सल लेती है ओनली टाइम कैन टेल, लेकिन इसको आप फिलहाल जो सर्कमस्टांसिस हैं उसकी बेस के ऊपर यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट अ लिटिल बाउंस फ्रॉम 200 सिंपल मूविंग एवरेज. लेकिन देन अगेन जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं आपको बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जो है जब ये एक इंक्लाइंड पोस्चर के अंदर होती है तो दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड सपोर्ट. इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें 21 एक्सपोनेंशियल है, ये ग्रीन ऑरेंज 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, ग्रीन 55 है, उसके साथ 100 सिंपल और 100 EMA मौजूद है. जब ये इंक्लाइंड पोस्चर में होती है तो दे टेंड टू बी वेरी गुड सपोर्ट. यू कैन सी इट ओवर हियर 21 एक्सपोनेंशियल में वापस से पुल बैक आया, तो वी गॉट हेल्ड प्रीटी ब्यूटीफुली. उसके बाद दोबारा सपोर्ट, लेकिन जिस तरह फ्लैटन आउट होती जा रही है मूविंग एवरेज, उस तरह जो है सपोर्ट वीक होती जा रही है एंड फाइनली वी ब्रेक इट ओवर हियर. और उसके बाद दोबारा जब हम नीचे क्लोज करना शुरू हो गए तो उसके बाद वो फ्लैटन आउट होने के बाद डिक्लाइनिंग पॉस्चर में आ गई. अब जब वो डिक्लाइनिंग पॉस्चर उनका गेन करती चली जाएंगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो उसी तरह आपके पास ये रेजिस्टेंस के तौर पर साबित होना शुरू हो जाएगी. यहाँ पर जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसका रोल इसलिए कुछ ज्यादा नहीं है बिकॉज इट हैज अ फ्लैट पॉस्चर, तो इट विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट. बट ज्यादा अगर इसके ऊपर मार्केट जो है वो अगेन एंड अगेन इसको टच करेगी, लेट्स सपोज वी कम डाउन ओवर हियर, वी हैव अ लिटिल बाउंस और उसके बाद दोबारा वापस नीचे आते हैं फिर नीचे आते हैं, तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू गेट ब्रोकन बिकॉज इट्स नॉट इन अ राइजिंग पॉस्चर, या आप कह सकते हैं एक इंक्लाइन पॉस्चर में नहीं है, इट्स इन अ फ्लैट पॉस्चर. सो सपोर्ट तो है 200 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज की, बट बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है उसके पॉस्चर के लिहाज से. सो डेली टाइम फ्रेम में जस्ट बी अवेयर ऑफ द रीटेस्ट. अगर रीटेस्ट आता है डोंट कंफ्यूज इट विद द रिवर्सल, सेम इज विद द आवर्ली. आवर्ली में अगर हमारे पास लोकल लो कन्फर्म होता है तो वी विल हैव अ फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी विल मेक. उसके बाद एक छोटा सा रीटेस्ट आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन एक छोटी एक प्रॉबेबिलिटी है कि हमारे पास एक छोटा सा रीटेस्ट आए आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस, सॉरी दिस सपोर्ट, टर्निंग इट इनटू अ रेजिस्टेंस. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.